सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं हम लोगों के अग्रज और बहुत वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी। आज चुनाव के जो नतीजे राज्यों में आ रहे हैं, 5 राज्यों में, उस पर थोड़ी बहुत आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। तो शैलेश जी, अब तो लगभग चीज़ें साफ हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है इन चुनावों का क्या असली नतीजा है? एक तो नतीजा है गिनती वाला, लेकिन राजनीतिक नतीजा क्या है? देखिए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बीजेपी कोशिश ये थी कि जुमलाबाजी करके और लोगों को भ्रम में रखा जाए। तो आप अगर देखें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करीब करीब 15 साल उनकी सरकार के हो चुके हैं, और 15 सालों में ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत चीज़ें अचीव की, कोई बुनियादी काम करते हुए दिख नहीं रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 2 रुपये किलो चावल दे करके और आदिवासियों को, और बहुत जो अत्यंत गरीब हैं उनको लुभाने की कोशिश। लेकिन ये जो फ्री भी है, इस तरह की मुफ्त की चीज़ें हैं, इनकी एक सीमा होती है, बीजेपी इसको समझ नहीं पाई। तो 2019 के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, आपके हिसाब से इस क्षेत्र में जहाँ 65 लोकसभा सीट हैं, कितना बड़ा डैमेज इनको होगा? 66 लोकसभा सीट हैं इन 65 या 66 हैं लोकसभा सीटें, 62 के करीब जो है वो बीजेपी जीती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव है वो बहुत साफ तौर पर ये संकेत देता है कि 2019 बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे नहीं थे। तो 3 की जगह जो 3 और 62 का बंटवारा था, आप क्या एंटिसिपेट करते हैं कि इन 65 सीटों में आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, एक तो मैक्सिमम पर थे, पूरा का पूरा राजस्थान जीत लिया था उन्होंने, और पूरा गुजरात गुजरात नहीं है, लेकिन गुजरात में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल, गुजरात भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, वो 25 सीटें, और बिल्कुल गुजरात में 70, 20, 90 करीब 90 सीटों में। बिल्कुल, ये गुजरात में जो विधानसभा के पिछले चुनाव हुए थे उसमें एक बात बहुत साफ थी कि ग्रामीण गुजरात यानी ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हो गया था, और ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्र जो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है उसके बहुत साफ कारण है, जिसको पता नहीं क्यों बीजेपी एड्रेस नहीं करना चाहती है। उसका कारण है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात आप देखेंगे, गुजरात में भी ऐसा लग रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स भी थी, और इधर राजस्थान में तो एक तरफा लग रहा था कि जनता एकदम बीजेपी सरकार को हटा देना चाहती है, लेकिन चुनाव नतीजों में वैसे नतीजे नहीं आए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ को हम कह सकते हैं, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने संगठन के जरिए बहुत बड़े लेवल पर मैनेज किया। संगठन के जरिए करने से ज़्यादा ये जो गाय को मुद्दा बनाया गया, और राजस्थान का गांव-गांव इस मुद्दे पर अखलाक की जो मौत हुई थी, तो गांव-गांव में गाय को एक मुद्दा बनाया गया, और ये मुद्दा हिंदुओं में एक तरह से काम करता है। लेकिन आप क्या भावनात्मक मुद्दे, जब पेट और भावना के बीच चुनाव करने की स्थिति आती है तो लोग जो हैं पेट को पहले चुनते हैं, और उस समय मोदी एक बहुत बड़ा ब्रांड भी रहेंगे, उनके सामने विपक्ष कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा कि उसका नेता कौन है। वो जो अनिश्चय की स्थिति है वो मोदी को फेवर करेगी, या जो जनरोष है वो मोदी के खिलाफ जाएगा? मोदी जो विधानसभा के ये चुनाव हुए हैं उसमें भी ब्रांड थे, ये जरूर कहा गया कि इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान वगैरह में कम प्रचार क्या किया। एक प्रधानमंत्री को जितनी चुनाव सभाएं करनी चाहिए उन्होंने सारी सभाएं की। तो कुल मिलाकर के ये नहीं कह सकते कि मोदी इस चुनाव अभियान में नहीं थे, मोदी बिल्कुल थे, लेकिन लोगों की समस्याएं उससे बड़ी हैं। बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि गाँव-गाँव में स्थिति ये हो गई है कि रोजगार जो उनको बाहर से मिलता था वो ख़त्म हो रहे हैं, जो नोटबंदी के बाद शुरू हुआ, जीएसटी के बाद चालू है वो स्थितियाँ, और उसके चलते गांव की जो दशा खराब हो रही है वो स्थितियाँ, तो आसान नहीं है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद।